पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जब के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तो शिक्षकों और इसके साथ साथ बच्चों पर आए दिन गाज गिरती रहती थी, कभी सुबह आओ कभी शाम आओ। तो गर्मी छुट्टी की भी जो छुट्टियां होती है वो बच्चे इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, उनमें भी उनको कोई टास्क दे दिया जा रहा था। और शिक्षकों की तो बात ही अलग है, उन्हें आए दिन स्कूल बुलाया जा रहा था। लेकिन जब के पाठक शिक्षा विभाग छोड़ दिया, उन्हें शिक्षा विभाग से हटा दिया गया, तो बच्चों और इसके साथ साथ शिक्षकों में भी काफ़ी खुशी देखी गई कि अब के पाठक चले गए, हमें उनकी परेशानियों से निजात मिल गया, अब उनके जो टास्क थे उनको हमको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब एस सिद्धार्थ, जब से बता दें कि अपर मुख्य सचिव बने शिक्षा विभाग के, तब से एस सिद्धार्थ भी अब सुर्खियों में नजर आने वाले हैं, आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एस सिद्धार्थ भी किसी मायने में कम नहीं है। आपको बता दें कि कल एस सिद्धार्थ ने औचक निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी मिलने पर एक बड़ी कार्रवाई की। पटना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ और चार कलर को निलंबित कर दिया गया। वहीं डीईओ से उन्होंने जवाब तलब किया। ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब एस सिद्धार्थ ने औचक कार्रवाई करने पहुंचे और वहां पे एक डीपीओ और चार क्लर्क, तो वहीं डीईओ से वो जवाब तलब करने लगे। उन और चार क्लर्क को उन्होंने सस्पेंड कर दिया और एक जो डीपीओ है उनको भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो वहीं डीईओ से उन्होंने पूछताछ की। सस्पेंड किए गए क्लर्क में गोपाल कुमार, दिलीप कुमार और सुनील शामिल हैं। इन सभी को औचक निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी मिलने पर सस्पेंड किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पटना में पदस्थापित लिपिकों के द्वारा जिले के शिक्षकों से प्राप्त मातृत्व अवकाश वेतन आदि के भुगतान से संबंधित संचिकाओं की जांच की गई। इस दौरान कई गड़बड़ियां पाई गई, जिसके बाद जिम्मेदार पदाधिकारी और कर्मियों पर कार्रवाई की गई। अब एस सिद्धार्थ भी काफ़ी करे नजर आ रहे हैं। एक डीपीओ तो चार क्लर्क और वहीं एक डीईओ से उन्होंने पूछताछ की और औचक निरीक्षण के दौरान जो गड़बड़ी मिली, जो उनको ऐसा लगा कि इस काम में लापरवाही हो रही है, तो वहाँ से तुरंत उन्होंने निलंबित कर दिया। एक डीपीओ, चार क्लर्क और इसके साथ ही डीईओ से उन्होंने पूछताछ की और चार क्लर्क और एक डीईओ को उन्होंने निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ऐसा लग रहा है कि अब एस सिद्धार्थ भी किसी मायने में कम नहीं नजर आ रहे हैं। एस सिद्धार्थ भी अब बिल्कुल करे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब के पाठक थे तो आए दिन शिक्षक सस्पेंड होते थे, कभी किसी का वेतन कटता था तो कभी किसी का सस्पेंशन नोटिस आता था। लेकिन अब जब से एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग में आते तो ऐसा लग रहा था कि एस सिद्धार्थ जो हैं अब इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं। लेकिन एस सिद्धार्थ तो के पाठक से भी आगे दिख रहे हैं। औचक निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी पे उन्होंने थोड़ी भी लापरवाही नहीं बरती और गड़बड़ी मिलने पर सीधे चार क्लर्क और एक डीपीओ को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। तो वहीं जो एक डीईओ है उन्होंने उनसे पूछताछ की। अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद क्या कुछ एस सिद्धार्थ एक्शन लेते हैं। शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पे भी बात चल रही है, इस पे एस सिद्धार्थ क्या एक्शन लेते हैं, ये तमाम खबरें देखने वाली होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।